तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है इक्कू, आप देख रहे हैं मिस्टर इक्कू ब्लॉग्स और मैं बिलोंग करता हूं प्लामू के एक छोटे से गांव पाटन से। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम कुछ देर में, अभी सुबह हो रही है, सुबह का मौसम देख लीजिए पीछे, और अभी हम कुछ देर में जाने वाले हैं कजरी का रेलवे स्टेशन, जो कि कुछ ही सालों में काफी ज्यादा उसमें परिवर्तन हुआ है, काफी बदलाव हो गए हैं। तो चलिए जाकर हम दिखाएंगे आप लोग को कि कजरी का रेलवे स्टेशन कैसा है और वहां पे क्या क्या चीज नया आ गया है, कैसा बन गया है रेलवे स्टेशन। तो चलिए सारा कुछ आप लोग एक्सप्लोर करवाएंगे, पूरा कजरी का रेलवे स्टेशन। तो वीडियो में बने रहिए एंड तक, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं वीडियो के आगे। तो भाई चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर जाने के बाद कुछ इस प्रकार का नज़ारा। ये है टिकट काउंटर और उसके बाद ये देखिए सामने, इतना हेवी लुक हो गया है। और गाइस देखिए इतना हेवी भाई, ये पूरा देखिए किस टाइप का बन गया है, और यहाँ से ये भी पूरा नया बन गया है। ट्रैक के वो है 1, 2, 4 से 5 ट्रैक ना, ये तो लूप लाइन है। सो गाइज हम लोग अभी आ चुके हैं कजरी का रेलवे स्टेशन, जो कि डाल्टनगंज के पीछे है ना, दोनों तरफ से आगे पीछे 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 है, पीछे पीछे ही है। तो ये है पूरा कजरी का रेलवे स्टेशन, जो कि काफी चेंज हो गया है। पहले ऐसा ये रेलवे स्टेशन था ही नहीं, एक ऐसा ही घर टाइप से बनाया हुआ था, वहाँ पे टिकट मिल जाता था। लेकिन ये रेलवे स्टेशन पूरा दिखाओ, एक नहीं दो नहीं बल्कि 5-5 पटरी लगा हुआ है यहाँ पे। ये तो लूप लाइन भी एक इधर है, ये लूप लाइन है, आराम से यहाँ पर खड़ा कोई कर सकता है। और भैया काफ़ी मतलब यहाँ पे चेंज हो गया है पूरा, एकदम यहाँ से वहाँ तक लगभग आधा किलोमीटर के एरिया में पूरा बना दिया गया है इसको, मतलब लंबा रेलवे स्टेशन, और बैठने के लिए भी जगह हुआ है। जल्दी वहाँ से ऑटो देखा, few moments later का सोच रहा है, यही सोच रहा है कि कजरी इतना डेवलप कर गया यार। आज के बता रहे, आज के 1 से 1.5 साल पहले हम जब यहाँ पे आए थे, है ना, 1 से 1.5 साल पहले जब हम आए थे तो ऐसे घर टाइप से था, बहुत दिन मतलब घूमे हैं यहाँ पे आसपास में ही मेरे घर से। तो वहाँ से जब हम आए थे ना तो ये बहुत ही छोटा मतलब था, ऐसे घर टाइप का, वहीं पे मिल जाता था टिकट वगैरह। लेकिन इतना ज्यादा तरक्की में है भाई, अपना पलामू भी बहुत ज़्यादा तरक्की में है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 3-4 ट्रैक लगा दिया है और सारा ट्रैक चालू ही है लगभग। इधर वर्कर भी अभी लगे हुए हैं, देखिए इधर वाटर टैंक वगैरह लगा दिया है पानी वानी पीने के लिए। बाकी इधर भी ये वाला पूरा देख रहा है काफ़ी दूर तक लगा दिया है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हमारा ये जो एरिया है ये काफ़ी तरक्की में लग गया। और पहले ना सच्ची बता रहा है, एक जो होता है ना, कहीं भी आप लोग देखे होंगे गए होंगे तो छोटे छोटे एक जगह टाइप से रहता है, घर टाइप सा, और वही रेलवे स्टेशन रहता है। तो वैसा ही ये भी था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। और अभी देखिए उसके पार्ट्स उधर, उसके पार्ट्स फेंके हुए हैं, जैसे उसका काम होगा वैसे ही आपका ये हो जाएगा। काफ़ी दिनों बाद हम सोचे कि चलो चला जाते हैं, चलते हैं और थोड़ा सा कजरी को दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि आप लोग का कमेंट भी आता है कि जब कजरी इतना अच्छा बन चुका है तो आप वहाँ पे जाके एक्सप्लोर क्यों नहीं कर रहे हैं, दिखा क्यों नहीं रहे हैं। भाई लोग वीडियो बना दिए हैं आप लोग के कहने पे, एक बार पूरा देख लीजिए एक बार पूरा। यही है कजरी का रेलवे स्टेशन। और भैया उधर भी और इधर भी दो बड़े बड़े बोर्ड लिखे हुए हैं, जिसमें 3 वर्ड में मतलब 3 लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हिंदी, इंग्लिश एंड उर्दू, तीनों में लिखा हुआ है आपका कजरी। सो
सो गाइस फाइनली यही था आज के ब्लॉग में। आज हम आए थे कजरी रेलवे स्टेशन, जो कि घूमने ऐसे ही आए थे, तो सोचे कि थोड़ा सा आप लोग को एक्सप्लोर कराया जाए, यहाँ का दिखाया जाए कि अब जो रेलवे स्टेशन पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। देख सकते हैं आप, पूरा बन चुका है ये रेलवे स्टेशन और काफ़ी कंप्लीट हो गया है। अभी भी वर्कर लोग आकर काम कर रहे हैं पीछे, मतलब अभी और भी चेंजेस आने वाले हैं इसके अंदर। तो अगर आसपास के एरिया से हैं तो थोड़ा सा आके देख सकते हैं, या फिर जो लोग पहले आए थे बहुत पहले, उसके बाद नहीं आए तो वो भी आके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा बन चुका है ये रेलवे स्टेशन। चलिए यही था आज के ब्लॉग में। अगर ब्लॉग थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्यार सपोर्ट बनाए रखिए।